नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन का प्योर एस वेरिएंट। ऐसे इसलिए क्योंकि भाई इसमें है सनरूफ। वैसे अगर आप प्योर वेरिएंट लेंगे तो सारे फीचर लगभग सेम आएंगे, एक इसमें सनरूफ है जो वो एक्स्ट्रा होगी और बाकी सनरूफ के साथ इसमें एक दो फीचर और एक्स्ट्रा डालते हैं, जैसे ऑटोमेटिक हेडलैम्प या फिर ऑटो वाइपर है जो, ये दो तीन फीचर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जब से 3XO लॉन्च हुई है ना, तो सारे वेरिएंट का प्राइस कंपनी ने कम कर दिया। तो भाई इसके बारे में बताऊंगा, इसकी कीमत क्या है, फीचर क्या कुछ है इसमें। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट यहाँ पे बिल्कुल सेम है जो पहले मैंने बनाया था, वो बेस वेरिएंट था, स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट, उसका वीडियो बनाया था, तो सेम वैसा है यहाँ पे इसका जो फ्रंट है। ऊपर यहाँ पे ये डीआरएल वगैरह मिल जाएगी, इंडिकेटर मिल जाएंगे, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक है, नीचे रफ ब्लैक कलर में ये प्लास्टिक मिल जाएगा पूरा, जो ये लोअर बम्पर पार्ट है। हेडलैम्प इसमें भी यहाँ पे एलईडी है, प्रोजेक्टर है, और यहाँ फॉग लैंप इसमें नहीं दिए गए, कोई फ्रंट सेंसर वगैरह प्योर एस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हो गई जो की है यहाँ पे व्हील कवर। यहाँ पे सिल्वर कलर के कवर इसमें दिए गए हैं, ब्लैक कलर के रिम मिल जाएंगे, 195/60R16 टायर का ये प्रोफाइल है। नीचे क्लैडिंग वगैरह ये ब्लैक कलर में मिलेगी, डोर हैंडल विदाउट पेंट है। यहाँ पे सेम ये साइड में ये पट्टी दी गई है ब्लैक कलर की। एक चीज और है जो इसमें चेंज हो गई, वो है यहाँ पे ORVM, ये आ गए इसमें ग्लोसी ब्लैक कलर के। जो स्मार्ट वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, उसमें मिलेंगे रफ ब्लैक, विदाउट पेंट वाले मिलते हैं। यहाँ पे ए पिलर के ऊपर टेप का यूज किया गया है, बी पिलर के ऊपर भी यहाँ पे टेप मिल जाएगी, और सी पिलर पे यहाँ पे भी टेप का यूज इस पे किया गया है। रूफ रेल इसमें ऐड हो जाएगी, ऊपर सार्फिन एंटीना दिया गया है, ये भी ग्लोसी ब्लैक है। अब बात करते हैं भाई इसके रियर प्रोफाइल की। यहाँ पे फीचर वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं हुआ, सेम है सारी चीज। यहाँ पे कोई वाइपर, डिफोगर, वॉशर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है। ये जो इसकी लाइट है, ये भी भाई कनेक्ट नहीं है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये सिर्फ हाफ ही काम करेगी। यहाँ पे इतने वाला पार्ट है जो इसमें लाइट जलेगी, ये सिर्फ डिजाइन के लिए है। यहाँ पे टाटा का लोगो, ऊपर यहाँ पे इसमें हाई स्टॉप लैंप दिया गया है, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाएगी, दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, यहाँ पे बैक गियर के लिए लाइट रिफ्लेक्टर वगैरह ये इसमें मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। जो इसका डोर पैनल है ये चेंज हो गया, यहाँ पे ये आ गया इसमें, यहाँ पे व्हाइट है पूरा, हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा, थोड़ा अलग सा डिजाइन है ये, देख सकते हैं आप इसमें, जैसे कपड़ा होता है ना तो उस टाइप का ये डिजाइन लगता है देखने में। वैसे है पूरा प्लास्टिक ये, यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक, ये ग्लोसी ब्लैक कलर में मिल जाएगा, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर आ गया। स्मार्ट वेरिएंट में होता है यहाँ पे सिल्वर, चारों पावर विंडो इसमें दिए गए हैं यहाँ पे, और जो इसके ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। नीचे स्पीकर दिया गया है, ट्विटर के लिए स्पेस मिल जाएगा, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। सीट की बात करूं तो ब्लैक कलर में है, ऊपर यहाँ पे ड्यूअल टोन मिलेगी, ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं फ्रंट वाले, हाइट एडजस्टेबल सीट इसकी नहीं है। यहाँ डैशबोर्ड की बात करूं तो भाई यहाँ पे इसमें काफी कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा जो इसका इंटीरियर है। म्यूजिक सिस्टम इसमें ऐड हो गया, छोटी 7 इंच की डिस्प्ले में मिल जाएगी। यहाँ पे ये सेम टेक्सचर दिया गया है, यहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा, सेम जो डोर पैनल के ऊपर दिया गया है वही टेक्सचर यहाँ पे है, और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे भाई सारे ये टच कंट्रोल वाला सिस्टम। जो स्मार्ट वेरिएंट था उसमें मैनुअल था, है इसमें भी मैनुअल, बाकी एसी के लिए डिस्प्ले यहीं पे काम करेगी, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। इसमें सारे एसी के कंट्रोल यहाँ पे ये सब टच दिए गए हैं, ये ब्लोअर के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, और भाई यहाँ पे ये मैनुअल सेंटर लॉक करने के लिए, ये इसका बूट ओपन करने के लिए, और ये मिल जाएगा हैजार्ड के लिए, ये भी यहाँ पे सारे टच दिए गए हैं। यहाँ पे कहीं कुछ एसी के लिए तो कुछ अलग से दिखा नहीं रहा, वैसे जो इसका टेम्परेचर वगैरह है उसका हो सकता है कि मैं यहाँ पे जैसे ये ब्लोअर है इसको कम ज्यादा करूँ तो वो भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, टेम्परेचर को यहाँ पे कम ज्यादा करूंगा तो वो भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, ये नीचे ही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ऑफ करने के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा था कुछ, इसमें क्लाइमेट का कुछ बना हुआ रहा था तो वो यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा था, अब है नहीं भाई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। जो ऑटोमेटिक एसी होता है ना वैसे तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, थोड़ा बहुत ये है कि एसी ऑन ऑफ है तो वो शायद से यहाँ पे बताता होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी सारे कंट्रोल एसी के आपको यही मिलेंगे नीचे। नीचे यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एक USB पोर्ट मिलेगा, टाइप सी वगैरह और कोई अदर चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। और भाई अब ये प्योर वेरिएंट आ गया तो इसमें आपको मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 6 स्पीड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो स्मार्ट वेरिएंट है उसमें मिलेगा 5 स्पीड का। यहाँ पे ये नॉब दिया गया है, सिटी इको स्पोर्ट 3 है, इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, ये कप होल्डर वगैरह इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे इसका मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करूं तो ये भी सेम है, कोई भी इसमें कूलिंग फंक्शन या लाइट वगैरह इसमें यहाँ पे नहीं दी गई। यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा पिलर्स के ऊपर, और ऊपर यहाँ पे डिमिंग ORVM इसमें मिल जाता है, व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी, सनरूफ के लिए कंट्रोल, ये पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का जो वार्निंग लाइट है वो यहाँ पे शो करेगा, फोल्डेबल ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे मिल जाएगा ये टिकट होल्डर। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो भाई स्टेयरिंग यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज है पूरा रबड़ रैप, सेम यहाँ पे आपको ये इसमें ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा। जो स्मार्ट वेरियंट है उसमें यहाँ पे कंट्रोल वगैरह नहीं होते। अब भाई म्यूजिक सिस्टम इसमें आ गया तो यहाँ पे कंट्रोल वगैरह भी इस पे आपको मिल जाएंगे। जो इसका ये MID है, MID के लिए कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, इसमें ट्रिप ए उसकी एवरेज वगैरह ये दिखाएगा, ट्रिप बी के पूरा डाटा दिखा देगा, ओडोमीटर वगैरह ये यहाँ पे इसमें शो
करता है। ऊपर यहाँ पे ये टाइम शो करेगा, यहाँ पे मोड शो करेगा, ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल स्पीड, यहाँ पे दिखाएगा सीट बेल्ट की वार्निंग, नीचे यहाँ पे रिफ्यूलिंग वगैरह आपको मतलब वार्निंग वगैरह यहाँ पे शो करेगा, एवरेज वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। ओडोमीटर भी यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे ये फ्यूल शो करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पे इसमें आरपीएम मीटर दिया गया है। तो क्लस्टर भी इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, जो बेस वेरियंट है उसमें है तो सेम सारी चीजें ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस है वो चेंज हो गया, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। मैं एक बार आपको ये स्टार्ट करके दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे आरपीएम मीटर आ गया इसका, ये बाकी चीजें यहाँ पे शो करता है। तो ये इस टाइप का इसमें दिया गया है क्लस्टर। जो ये है म्यूजिक सिस्टम, इसका भी इंटरफेस चेंज है, यहाँ पे पूरा आपको ये ब्लैक मिल जाएगा। पहले ब्लैक नहीं होता था, इसमें थीम वगैरह का ऑप्शन होता था, तो अब वो नहीं है। जो भी नई कार आ रही है जिसमें छोटी डिस्प्ले भी दी गई है, उसमें थीम वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखो कहीं भी इसमें कोई थीम का ऑप्शन नहीं है, तो ये ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा। दूसरे किसी वेरियंट में जिसमें ब्लू होगा तो उसमें ब्लू ही रहेगा, ये कलर आप यहाँ पे चेंज इसमें नहीं कर सकते। कि यहाँ पे आपको ये एक तो सिंपल वाली मिल जाएगी और एक मिलेगी फ्लिप की। जो दूसरी अदर कार्स में आपने देखी होंगी, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये टिल्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब भैया इस वेरिएंट है तो ऑटोमेटिक इसमें आपको वाइपर मिलेंगे और यहां पे ऑटोमेटिक हेडलैंप भी इसमें मिल जाते हैं। तो ये था इसका फ्रंट रो। सेकंड रो की बात करते हैं, अब सेकंड रो में क्या कुछ अलग आया है। डोर सेम है जैसे आगे वाला था, सेम वही थीम है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक, ये भी ग्लोसी ब्लैक, ये पावर विंडो के लिए कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा अलग सा व्हाइट सा टेक्सचर ये दिया गया है। नीचे बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, ट्विटर के लिए स्पेस ये मिल जाएगा। पूरी बेंच सीट है, तीन सीट बेल्ट मिल जाएंगी, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच में कोई आर्मरेस्ट हेडरेस्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पे आइसोफिक्स सीट के लिए हुक भी दिए गए हैं। अब कंफर्ट वगैरह की बात करूं तो उसमें तो कोई है नहीं दिक्कत भाई, सारे वेरिएंट में सेम ही मिलेगा, क्योंकि इसमें भी फैब्रिक सीट दी गई है। जो बेस वेरिएंट था उसमें भी फैब्रिक सीट थी, जिसमें लेदरेट सीटें आएंगी उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि अलग आ जाए, बाकी जो फैब्रिक सीटें हैं ये बेस वेरिएंट वाली सेम सीटें यहाँ पे यूज की गई है। दो लोग बैठ जाएंगे आराम से, तीसरे को बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये सेंटर वाला हम्प काफी ऊंचा है, यहाँ पे इसमें ये घुटने पे टकराएगा जब सेंटर में कोई भी बैठेगा, तो एडल्ट के लिए नहीं है, बच्चा यहाँ पे बैठ जाएगा। इसमें भाई पीछे एसी के वेंट ऐड हो गए जो कि स्मार्ट वेरिएंट में नहीं थे। चार्जिंग के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, चार्जिंग के लिए मिलेगा यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट, बाकी और टाइप सी यूएसबी वगैरह वो चीज नहीं है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल हुक के साथ मिल जाएंगे, हुक यहाँ भी मिलेंगे। टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं, ये यहाँ पे साइड में पिलर्स पे मिल जाएंगे, फ्रंट में मिल जाएंगे, बाकी सेफ्टी के जो अदर फीचर हैं वो भी सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। एक बार पीछे देखते हैं बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है या नहीं। नहीं भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है बूट ओपन करने के लिए, फ्रंट से ही इसका बूट ओपन करना पड़ेगा, जैसे बेस वेरियंट में था ना, सेम वैसे ही है। यहाँ पे ये बटन है, इसको प्रेस करूंगा मैं तो ये बूट इसका अनलॉक हो गया। अब इसका स्पेस वगैरह बता दूं आपको तो 382-385 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। लाइट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3-3 केजी के हुक मिल जाएंगे दोनों साइड, पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पे नहीं है। स्पेयर व्हील सेम है वही 16 इंच का, 195/60R16 टायर का प्रोफाइल है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। पंचर किट वगैरह वो चीजें इसमें नहीं दी जाती। इसको करते हैं बंद। अब इसका एक बार मैं आपको इंजन दिखा दूं, इसमें आपको 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स दिया गया है, AMT का ऑप्शन भी मिल जाएगा प्योर वेरिएंट में। इंजन सेम है वही जो स्मार्ट वेरिएंट में था, वही 1200cc का 3-cylinder पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है। भाई बेस वेरिएंट पहले यही होता था प्योर वेरिएंट डीजल के लिए, लेकिन अब स्मार्ट प्लस हो गया डीजल इंजन जहां से स्टार्ट हो जाता। अब इसकी बात करूं तो भाई 1200cc का 3-cylinder पेट्रोल इंजन है। जो इसकी पावर टॉर्क वगैरह है 118.27 BHP इसमें आपको पावर मिलेगी, और जो टॉर्क है वो है 170 Nm का। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 17.44 की, लगभग 15-16 की माइलेज आराम से निकाल देती है। ज्यादा प्यार से चलाओगे तो भाई 18-19 तक भी निकाल देगी हाईवे के ऊपर। इसकी मैं कीमत की बात करूं तो 10,30,000 रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है, ऑन रोड जाएगी लगभग 12 लाख के आसपास। हो सकता है और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाए, लगभग 70,000 तक का डिस्काउंट इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो भाई आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं वहां पे शोरूम वाले कितना डिस्काउंट दे रहे हैं प्योर एस वेरियंट के ऊपर। ये था भाई आज का वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.